अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी चिकन टेंडर बना रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए चलते हैं हम अपने किचन की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी चिकन टेंडर। ये बिल्कुल KNN की तरह की चिकन बनी है। घर में भी आप बहुत अच्छे तरीके से KNN जैसी चिकन बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। हमारे पास तकरीबन आधा किलो के करीब ये चिकन है और इसको हम अब मैरिनेट करेंगे। इसको इस तरह मैंने स्ट्रिप में काट लिया। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हम इसमें सिरका डालेंगे, 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हम हॉट सॉस चिल्ली सॉस, 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हम सोया सॉस, 1/2 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ही हम इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे। ऐड कर देंगे हम 1 अंडा और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अंडे के साथ और सारे स्पाइसेस के साथ। यहाँ पे मैंने 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो मैदा लिया है और 4 से 5 टेबलस्पून ही मैंने इसमें, यानी टोटल 5 टीस्पून मैदा 5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें हम लाल मिर्च पाउडर और इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1/2 टीस्पून ही हम इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे और इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्ट्रिप उठाकर हम इसे मैदे से कोट करेंगे। इसी तरह हम सारी स्ट्रिप्स को चिकन को मैदा लगा लेंगे। सारे चिकन को हमने कोटिंग कर ली है। अब हम एक एक पीस उठाएंगे और इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप ऑयल लिया है और इसमें इसको हम डाल देंगे और इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना और इसको आपने फौरन से पलटना भी नहीं है ताकि इसकी कोटिंग ना उतरे। एक साइड से जब अच्छी तरह से पक जाएगी तो फिर आपने इसको पलटना। आपने इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है। जब एक साइड से पक जाए तो फिर आपने इसे पलटना। हमने इसे गोल्डन सा सुनहरा सा कलर देना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना हमें। सर्दियों में जब खाने की कोई क्रेविंग होती है, शाम को 4-5 बजते हैं, ठंड होती है तो दिल चाहता है कि वो अच्छी मज़ेदार सी चीज़ खाएं। और जब बच्चे आपसे कहें कि मम्मा ये ऑर्डर कर दें ये ऑर्डर कर दें तो आप जल्दी से किचन में जाएं और बच्चों को बनाकर सरप्राइज़ दें कि देखिए मैंने आपके लिए कितनी मज़ेदार सी ये आपके लिए चीज़ बनाई है और चिकन जो है इससे मैंने कितनी मज़ेदार आपकी रेसिपी रेडी की है। तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और सर्दी इंजॉय करेंगे शाम की चाय के साथ। चिकन हमारा रेडी हो गया है। इसे हमने 5 से 7 मिनट तक फ्राई किया है। आपने इस तरह निकालना है जब, तो इसको अच्छी तरह से इसका ऑयल जो है वो रिमूव करना है ताकि ऑयल जो है वो चिकन के साथ ना रहे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा फ्राई हुआ है। मज़ेदार सी KNN चिकन टेंडर हमारी रेडी हो गई है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए। आज की ये स्पेशल रेसिपी है, अपने बच्चों को बना के दें, अपनी फैमिली को बना के दें, सर्दियों में शाम की चाय के साथ इंजॉय करें। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना।